हेलो नमस्ते। यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बहुत ही कमज़ोर हैं तो आप हमारे 12th PCM सॉल्यूशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएंगे, जिसमें नोट्स, PDF, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर एवं 5 ईयर के मॉडल पेपर इसमें मौजूद है। या प्ले स्टोर पर सर्च करें 12th PCM सॉल्यूशन और वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, स्टडी नॉलेज में विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, नए पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 10 विज्ञान, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न से आपको बताया जाता है, इसमें दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन। इसमें दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन क्या होते हैं और उनसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो दोस्तों, हम सिलेबस के साथ साथ सिलेबस में जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे उसको हम आपको टिक कराते चलेंगे, और जो 2021 में आपको बोर्ड एग्जाम के हिसाब से लगेगा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसे भी हम लोग टिक कर लेंगे। तो दोस्तों, आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे गोली दर्पण से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं से। जी दोस्तों, क्योंकि गोली दर्पण से प्रमुख परिभाषाएं में एक या दो अंक के क्वेश्चन हर साल आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्लास को फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। दोस्तों, आपको कोई समस्या होती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को दूर किया जा सके। दोस्तों, इसके पहले एक या दो दिन पहले हमने फिजिक्स का अर्थात कक्षा 10 विज्ञान का मॉडल पेपर 2021 का अपडेट किया था। तो जो स्टूडेंट अब उस मॉडल पेपर को नहीं देखे तो जाकर देख ले, आपको इससे ये पता चलेगा कि 2021 में परीक्षा का पैटर्न क्या है और किससे कितने कितने अंक के क्वेश्चन कैसे हमसे पूछे जाएंगे। ठीक, और दोस्तों कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल का क्लास हमने जो वीडियो बनाया था, अभी जो स्टूडेंट अब तक उस क्लास को ज्वाइन नहीं किए तो वो क्लास को जाकर भाग फर्स्ट को देख सकते हैं, और दोस्तों ये आपका भाग सेकेंड बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये भाग आपका सेकेंड बनाया जा रहा है। फर्स्ट इसके पहले आपको बता दिया गया है उसमें आपके परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं और परावर्तन का सूत्र क्या होता है, ये सब आपको उसमें डिस्कस किया गया था। ठीक, तो दोस्तों आइए आज हम स्टार्ट करते हैं गोली दर्पण से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो पहली परिभाषा हमारी आ जाती है वक्रता केंद्र। दोस्तों, पहला हमारे हेडिंग आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होती है, इसे पहली बात की इसे हमें सी से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर सी से हम पहले नोट कर दे रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी परिभाषा ध्यान सुनिएगा कि गोली दर्पण के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। परिभाषा यहाँ पे लिख देते हैं और फटाफट आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठा करें, हमारे साथ आप भी नोट करते चलिएगा कि गोली दर्पण के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं फिगर की। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा कि मान लेते हैं कि हमारा कोई गोली दर्पण इस तरीके से रहा। ठीक, कोई गोली दर्पण हमारा इस तरीके से रहा, इसको मान लेते हैं यहां से काट देते हैं तो इतना बचेगा। तो इसको हम किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, इस तरीके से प्रदर्शित कर लेते हैं, मान लेते हैं इधर इसको कलाई कर देते हैं। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जाकर ये तो आपस में मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, गोली दर्पण है। तो दोस्तों बात कर, कहीं पर इसका कहीं पर कहीं केंद्र होगा, दर्पण का जो वक्रता केंद्र होगा उसका एक केंद्र बिंदु होगा। जी दोस्तों, केंद्र बिंदु अर्थात यहां से यहां तक की दूरी, इसे हम क्या कहते हैं, इतना दूरी ये सी होता है और इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, और यही पॉइंट हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि वक्रता केंद्र को हम सी से प्रदर्शित करते हैं और इसके गोली दर्पण के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। फिलहाल आप इतना करते चलिए, उसके बाद जो भी इसमें संबंध बनकर आएंगे उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका दूसरा परिभाषा आपका आता है वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। ठीक, ये वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या की बात कर लेते हैं। वक्रता त्रिज्या, ठीक, तो वक्रता त्रिज्या का परिभाषा ध्यान सुनिए आप लोग कि गोले की उस त्रिज्या को जिसका दर्पण एक भाग होता है उसे दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहां पर हम इसका परिभाषा भी लिख दे रहे हैं कि गोले की उस त्रिज्या को
जिसका दर्पण एक भाग होता है उसे दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, बात कर लेते हैं वक्रता त्रिज्या। दोस्तों ध्यान समझिएगा कि मान लेते हैं कहता है गोली की उस त्रिज्या को, तो मान लेते हैं गोला तो जैसे कि पीछे हमने आपको बताया तो उसका आधा भाग काट देते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा। मान लेते इस पर कलाई कर देते हैं, मान लेते इसका सेंटर यहां पर है तो यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ठीक, यहां से यहां तक के बीच की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। परिभाषा आपको समझ में आ गई, या फिर आपको परिभाषा नहीं समझ में आता है तो आप इस तरीके से परिभाषा दे सकते हैं कि किसी गोली दर्पण के ध्रुव से, अर्थात इसे पोल कहते हैं, ध्रुव से उसके केंद्र की बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इस तरीके से भी आप परिभाषा दे सकते हैं। ठीक, फिर भी आपको कोई समस्या होती तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये वक्रता त्रिज्या की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ये आपसे एक या दो अंक में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पिछले कई वर्ष में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ठीक, इसके बाद दोस्तों तीसरा परिभाषा आपका बनकर आता है ध्रुव क्या होता है, पोल। ध्रुव, ठीक, पोल क्या होता है, और दोस्तों इसे पी से डिनोट करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों इसका परिभाषा ध्यान सुनिए कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। लिखेंगे दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे, ध्यान समझिए कि यहां पर हमारा हो गया क्या, कोई दर्पण हो गया। ठीक, और जो ये परावर्तक तल है इसी को हम क्या कहते हैं, ये परावर्तक इसी को कहते हैं ध्रुव, इसी को कहेंगे, और ध्रुव इसे जो इस पॉइंट को ध्रुव कहेंगे और इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। बात क्लियर हो गई। अब आगे हमारा हेडिंग आता है दर्पण का द्वारक। दोस्तों दर्पण के द्वारक से पहले हम परिभाषा जान लेते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष, तो इसकी परिभाषा ध्यान सुनिए आप लोग कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। परिभाषा यहां पर लिखते हैं कि दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब ध्यान समझिए कि किसे कहा गया। मान लेते कोई हमारा दर्पण है, मान लिया कि कोई हमारा ये दर्पण रहा, ठीक, और इस पोल से, इस ध्रुव से, अर्थात पी पॉइंट क्या हमारा ध्रुव, ध्रुव से इसके वक्रता केंद्र पॉइंट सी को जो मिलाती है रेखा, इसे ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष। बात क्लियर होगी, इसे ही हम कहते हैं, ये रेखा को ही हम कहते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष, और ये हमारा क्या होता है, ध्रुव होता है, और ये क्या होता है हमारा सी क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक, तो यहां से कह सकते हैं दर्पण के, इसे क्या कहेंगे, दर्पण, तो लिखेंगे परिभाषा कैसे लिखेंगे कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, और ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इसे आप टिक करिए, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों अगला आपका परिभाषा बनता है दर्पण का द्वारक। जी हाँ दोस्तों, अगला आपका हेडिंग होता है दर्पण का द्वारक, और इसे आप लोगों को जितने हेडिंग बताते चले इनकी परिभाषाएं, और इसको समझना आपको आसान होता है, और इसे आप समझिएगा क्योंकि दोस्तों यही आपके आने वाले समय में यूज होने वाले, और इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे आंकी के। फिर भी आपको कोई समस्या होती तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो परिभाषा की बात करते हैं दर्पण का द्वारक, तो इसका परिभाषा है, ध्यान सुनिए कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यहां से लिखेंगे कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक
कहते हैं। दोस्तों जैसे जैसे मैं बोलता चल रहा हूं उसके साथ साथ आप पेन कॉपी के साथ अपना परिभाषा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इनकी एग्जाम्पल की, तो दोस्तों ध्यान से समझिए, ये हमारा कर रहा कोई दर्पण और इनके बीच की दूरी को इसी ही हम क्या कहते हैं, कहता है दर्पण के परावर्तक तल। परावर्तक तल मतलब इसको कि इसी के व्यास को यहां से लेकर यहां तक के व्यास को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक, बात क्लियर हो गई। अब अगला हेडिंग आपका आता है मुख्य फोकस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया गया है, ये परिभाषा मुख्य फोकस, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा और इसे रखना ही याद रखेंगे तभी से भी क्वेश्चन भी आपको बनेगा। तो परिभाषा सुनिए मुख्य फोकस का, कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या आती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। परिभाषा यहां पर लिख देते हैं हम कि दर्पण की मुख्य अक्ष से या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, मतलब उस दर्पण पर टकराने के बाद की बात है, के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या काटती है, या हम कह सकते हैं कि आती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया, अब इसके फिगर के माध्यम से आप समझ लीजिए मुख्य फोकस किसे कहेंगे। तो दोस्तों हमारा ये हमारा कोई दर्पण रहा, ठीक, मान लेते हमारा क्या है अवतल दर्पण है, ठीक। तो ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, जैसे कि हमने यहां पर मुख्य अक्ष खींच दिया, ये हो गया क्या, मान लेते हमारा कोई पॉइंट यहां पर सी है, कौन सी वक्रता केंद्र, और ये हमारा क्या है ध्रुव है पी पोल, ठीक, इसे हम क्या कहेंगे ध्रुव कहेंगे, और ये हमारा क्या है दर्पण। तो ये कहता है कि मुख्य अक्ष, ये हमारा क्या है मुख्य अक्ष है, ध्यान समझिए आप परिभाषा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और कभी भी आप नहीं भूलेंगे, और ये परिभाषा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता है दर्पण की मुख्य अक्ष के समानांतर, दोस्तों यहां पर ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके समानांतर कोई रेखा हम ले लेते हैं, इसके समानांतर आने वाली रेखा न, उसके बाद दर्पण से परावर्तन के पश्चात आने वाली किरणें परावर्तन, मतलब यहां से दर्पण से जब टकराई तो टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेंगी या जिस बिंदु से आती हुई किरणें प्रतीत होती है उसे ही, इस बिंदु को जहां पे काटी मुख्य मुख्य अक्ष को, उसी को हम क्या कहते हैं मुख्य फोकस, अर्थात इसी हम इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इस पॉइंट को कहेंगे स्मॉल एफ, इसे ही कहेंगे हम मुख्य फोकस। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया मुख्य फोकस, ठीक। दोस्तों अगला हेडिंग हमारा आता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट यही है। जी दोस्तों ये हर बार क्वेश्चन आपसे पूछता है, पहला आपको इसका संबंध पूछेगा बहुविकल्पी एक नंबर में, या फिर इसको लिखने के लिए आपको पूछेगा एक नंबर में, या फिर इस पर आधारित क्वेश्चन पूछेगा बहुविकल्पी या अति में एक या दो नंबर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इस टॉपिक को, इसे आप जरूर याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में और कई बार ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। दोस्तों बात करते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो दोस्तों गोली दर्पण की फोकस दूरी जो होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यहां पर लिख सकते हैं कि गोली दर्पण की फोकस दूरी
उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान समझिएगा आप। अब दोस्तों मान लेते हैं कोई हमारा ये गोली दर्पण है, ठीक, ये हमारा दर्पण है, मान लेते हैं इसका सेंटर यहाँ पे ये हमारे हो गया क्या वक्रता केंद्र इस बिंदु पर, और इसके बीच की जो दूरी है इसे ही ये पोल पी हो गया, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं वक्रता त्रिज्या, इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे वक्रता त्रिज्या, अतः इसे कभी कभी आप स्मॉल आर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और कैपिटल आर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान समझिएगा यहाँ पर पॉइंट सी हो जाता है और इनके बीच की दूरी क्या होती है, या स्मॉल आर ले सकते हैं या कैपिटल आर ले सकते हैं, इसे ही हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। ठीक, और दोस्तों इस पॉइंट पे जैसे कि मैंने आपको बताया इसी पॉइंट पे आपका होता है फोकस, या दोस्तों यहाँ पे होता है फोकस, मान लेते पॉइंट एफ है और इसके बीच की जो दूरी होती है पोल और एफ के बीच की, इसे ही स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते और इसे हम कहते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो दोस्तों ये जो होता है फोकस दूरी जो होती है यह क्या होती है त्रिज्या की क्या होती है आधी होती है। तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एफ अपान आर बाई टू या एफ बराबर आर बाई टू ये होती है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की क्या होती है दोगुनी होती है, या जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है आधी होती है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इस बात से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आइए एक क्वेश्चन आपको बता देते किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोस्तों इस पर आधारित मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है और ये क्वेश्चन 2018 में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन कहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या का मतलब है कि इसे हम आर में देगा दिया है कितना 20 सेंटीमीटर, 20 प्लस 20 सेंटीमीटर ये हमें दिया है। क्या इसकी फोकस दूरी ज्ञात की, मुझे स्मॉल एफ का वैल्यू पूछा हुआ है। तो यह फॉर्मूला हम जानते हैं कि एफ बराबर होता है आर बाई टू, तो आर का मान हमें कितना दिया है 20 और बटे के नीचे क्या आ जाएगा 2, इसको कैंसिल करेंगे 10 आ जाएगा, अर्थात एफ बराबर प्लस, देखिए यहां क्या प्लस 10 सेंटीमीटर होगा, इसकी क्या होगी फोकस दूरी, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछेगा। एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं, इसी पर आधारित क्वेश्चन वो भी है। दोस्तों आगे क्वेश्चन है आपका कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यहां पर दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या से यहां पर पूछा हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, ध्यान से ये बहुविकलीय क्वेश्चन पूछा हुआ है। और देखिए ये दो यूपी बोर्ड कितने सन पूछे, सन 2011 12 13 14 और 16 में ये लगातार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है 2021 में भी आपको बोर्ड एग्जाम देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में, या एक नंबर या दो नंबर भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी मिल सकता है। देख सकते हैं इतने एक दो तीन चार पांच साल लगातार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं। आइए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जैसा हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरीके से है, हमें फोकस दूरी एफ का मान हमें दे रखा है कितना प्लस 10 सेंटीमीटर ये दे रखा है और हमसे पूछा है आर का वैल्यू अर्थात वक्रता त्रिज्या से पूछा है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर होता है आर अपॉन टू, ये सूत्र होता है, ये क्या होता है हमारा सूत्र होता है, तो यहां से क्या जाता है आर बराबर हो जाता है 2 × f अर्थात 2 × 10 अर्थात कितना 20 सेंटीमीटर, अर्थात आर बराबर कितना आ जाएगा 20 सेमी, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, आप इसे नोट करिएगा। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप फोकस दूरी वो वक्रता त्रिज्या के संबंध के बारे में समझिए, उसका सूत्र भी आपको याद हो गया, उस पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किया, इसे क्वेश्चन को आप पेन कॉपी से अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में हो सकता है कि ये क्वेश्चन रिपीट भी करे। ठीक दोस्तों, इसके बाद नोट पॉइंट आता है, इसे आप याद रखिएगा। पहला पॉइंट है ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को यू कहते हैं, ध्यान समझिएगा, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को यू कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को भी कहते हैं। और सी पॉइंट, तीसरा पॉइंट है हमारा वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को आर अर्थात वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और चौथा पॉइंट है हमारा ध्रुव से फोकस तक की दूरी को स्मॉल एफ या स्मॉल एफ से कहते हैं या स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों ध्यान से फिगर के माध्यम से आपको पूरा क्लियर कर देंगे। मान लेते हैं कि ये हमारा दर्पण है, ये रहा हमारा दर्पण, ठीक, यहां से लेकर यहां तक ये हमारा पॉइंट क्या होता था P
और ये पॉइंट हमारा ले लेते हैं, मान लेते हैं यहां पर पॉइंट हमारा रहा सी। ठीक, मान लेते हैं कि कोई रेखा यहां से चली इसके समानांतर और ऐसे गई और इसके परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष से निकल गई। ठीक, इस तरीके से रेखा गई, किरण गई और इस तरीके से निकल गई। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, और एक फिर इधर से एक समानांतर किरण गई और इस तरीके से ऐसे क्या करी, निकल गई। ठीक दोस्तों ध्यान समझिएगा आप लोग। तो दोस्तों इस पॉइंट पर जो काटा है मुख्य अक्ष को, जो इस पॉइंट में काटा इसे हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो यही कहा था कि एफ अर्थात मुख्य फोकस और पोल के बीच की दूरी को क्या करते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो चौथा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। पहला पॉइंट कहता है ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को, दोस्तों ध्यान समझिएगा, ध्रुव से लेकर के वस्तु तक की दूरी को, दोस्तों एक फिगर हम और बना देते हैं यहां पर, देख सकते हैं यहां पर हमने अवतार दर्पण बनाया हुआ है और ये पर हमारा पॉइंट, ये क्या हमारा मुख्य अक्ष है, यहां पर हमारा पॉइंट सी है और यहां पर हमने कोई वस्तु यहां पर रख दिया, मान लेते कोई ऑब्जेक्ट यहां पर हमने रखा हुआ है, ध्यान समझिए यहां पर हमने कोई ऑब्जेक्ट वस्तु यहां पर रख दिया। ठीक, और यहां से किरण गई और ऐसे यहां से टकराने के बाद ऐसे चली गई, एक किरण ये गई जो कि आपकी इसके इधर से आई और फिर टकराने के बाद वह किससे, इस पर से वापस चली गई, किस पे, वक्रता केंद्र से वापस चली गई। तो दोस्तों ये जो बना, ये हमारा क्या बना, प्रतिबिंब बना। ठीक, ये हमारा क्या बना, प्रतिबिंब बना और ये हमारा क्या वस्तु, ओ ओ डैश हमारा वस्तु, आई आई डैश हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब। तो आई आई डैश हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब होगा, ओ डैश हमारा क्या हो गया, ये वस्तु। अब दोस्तों ध्यान समझे, ये पहला पॉइंट क्या कहा है कि ध्रुव से मतलब इस पॉइंट पी से लेकर के वस्तु तक की दूरी को, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को, ध्यान समझे, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे, यू से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं और यहां से लेकर इमेज जो है, जो हमारा प्रतिबिंब है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, भी से प्रदर्शित करते हैं, भी कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपको इसलिए समझा रहे हैं, इस पर क्या होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आंकड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। और बाकी वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र यहाँ सी से वस्तु तक की दूरी को क्या कहते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं अर्थात वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और यहां से इस मुख्य फोकस से और पोल के बीच की दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, जो कि इस फिगर में आपको दिखाया। तो दोस्तों ये आपको नोट पॉइंट क्लियर हो चुका है। और दोस्तों आपको बता दें कि एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि चिन्ह प्रॉपर्टी के इस अनुसार जो अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण की पहले बात कर लेते, उत्तल दर्पण जो होता है इसकी दोस्तों बात ध्यान समझिएगा कि चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, कौन सी फोकस दूरी होती है, वह क्या होता है, सदैव धनात्मक होती है, सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। इसे आप याद रखिए, ये क्वेश्चन लगाने के काम आएगा। और इसी में एक पॉइंट आता है अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, दर्पण के लिए बात करें तो इसकी जो फोकस दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक होती है, इसकी जो फोकस दूरी होती है, इसकी जो फोकस, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है, सदैव ऋणात्मक होती है। इसे आप याद रखिएगा, इसका यूज आप क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। ध्यान दोस्तों, वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान भी प्लस वन अपान यू जो फार्मूला है, इस पर आपको क्वेश्चन देगा, अगर उसमें अवतल या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी देगा तो उत्तल दर्पण की जब फोकस दूरी देगा तो हमेशा उसे हम धनात्मक लेना है, और अवतल दर्पण की जब फोकस दूरी देगा तो उसे हमेशा ऋणात्मक लेकर ही सॉल्व करनी है। ये नोट पॉइंट रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, नियम पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लास को मिस मत करिएगा। और दोस्तों इसको पढ़ेंगे, उसके साथ साथ दोस्तों हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, जी हाँ दोस्तों, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, इसमें छह प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए, वीडियो फटाफट आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई समस्या होती तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।